सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं गरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषा वै ॐ शान्तिः 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 ॐ श्रीपरमात्मने नमः न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है न्याय दर्शन का हम स्वाध्याय कर रहे थे तीसरा प्रकरण प्रमेय प्रकरण जिसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा कर दी थी वो प्रकरण समाप्त हो चुका था अभी चतुर्थ प्रकरण पर हम चिंतन करेंगे इस प्रकरण का नाम है न्याय न्यायपूर्वांग लक्षण प्रकरण न्याय न्यायपूर्वांग लक्षण प्रकरण नामकरण इसलिए है कि आगे जो छठा प्रकरण चलने वाला है उस छठे प्रकरण का नाम है न्याय प्रकरण न्याय प्रकरण अर्थात पंचावयव भी उसे कहते हैं जिसमें पांच चीज़ें होती हैं उसके माध्यम से हम सत्य असत्य का निर्णय करते हैं और उस सत्य असत्य के निर्णय से पूर्व अंग के रूप में इस प्रकरण को पढ़ा गया है पूर्व अंग के रूप में इसको स्वीकार किया गया है इस प्रकरण में तीन सूत्र हैं तीन सूत्रों में जो सोलह पदार्थ गिनाए गए थे प्रथम सूत्र में उन सोलह पदार्थ में प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत, अर्थात तीसरा चौथा और पांचवा पदार्थ का एक प्रकरण है तीन पदार्थ का एक प्रकरण तीन सूत्र है एक एक सूत्र से एक एक पदार्थों का लक्षण दिया गया है उसमें से प्रथम संशय पर जिज्ञासा की गई है संशय पर विचार किया गया है इसलिए सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं समान अनेक धर्मोपत्ते विप्रतिपत्ते है, है। उपलब्धियाुपलब्धि अव्यवस्था तशेषापेक्षो विमर्श संशय संशय शन्थ का लक्षण है समान सामानोपत्ते विशेषापेक्ष विमर्श संशय अनेकधर्मोपत्ते विशेषापेक्ष विमर्श संशय विप्रतिपत्ते विशेषापेक्ष विमर्श संशय उपलब्धि अव्यवस्था तशेषापेक्ष विमर्श संशय अनुपलब्धि अव्यवस्था तस्वेषापेक्ष विमर्श संशय विशेषापेक्ष विमर्श संशय ये पाँचों में जुड़ेगा तब जाकर के इसका अर्थ स्पष्ट होगा इस सूत्र को समझने से पूर्व इस सूत्र के प्रयोजन के संदर्भ में हम कुछ चिंतन कर लेते हैं संशय नामक पदार्थ को गिनने से यह शास्त्र की एक अपनी गरिमा है अपनी महत्ता है क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों में संशय करना अत्यंत निंदनीय माना जाता है गीता कहती है अज्ञ अश्रद्धानस संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्म न अर्थात जो अज्ञानी हैं जो अश्रद्धावान व्यक्ति हैं उन व्यक्ति को कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती उनका विनाश हो जाता है वह कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते न इस लोक में सुख को प्राप्त कर सकते न परलोक में सुख की उनकी कोई कामना की पूर्ति होती है अतः इस लोक और परलोक में सुख की कामना करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह संशय न करें अश्रद्धा न रखें परंतु यहां पर संशय की बात की गई है संशय को पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है इसका क्या मतलब इस विषय पर हम थोड़ा विचार करेंगे और यह परंपरा काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है संशय के आधार पर निर्णय करने का और इसी को पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी स्वीकार किया है पाश्चात्य दार्शनिकों में एक दार्शनिक देकार्त है जिन्होंने कहा था संशय करो ज्ञान की प्राप्ति होगी संशय से ज्ञान की प्राप्ति की बात पाश्चात्य दार्शनिक भी मानते हैं और ये हमारी तो प्राचीन परंपरा ही रही है क्योंकि यह दर्शन समय की दृष्टि से इसकी कल्पना की जाए समय की दृष्टि से इसका निश्चय किया जाए तो लाखों वर्ष पुराना यह ग्रंथ है क्योंकि भगवान राम के समकालीन माने जा सकते हैं महर्षि गौतम और उन्हीं की रचना है तो भगवान राम के काल जितना पुराना है उतना ही पुराना यह ग्रंथ माना जा सकता है तो इस संदर्भ में हमें विचार करना है कि संशय की आवश्यकता क्यों पड़ी जब एक बार गुरु वेदांत वाक्य हमें निर्णय करके बता दिए यह सत्य है यह सत्य है यह करणीय है यह अकरणीय है फिर उसके बाद संशय की क्या आवश्यकता पड़ी उसके पश्चात संशय क्यों करें हम हमसे ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ पुरुष गुरुजन जब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं इस बात के पूर्व में ही निश्चय कर चुके हैं तो हम उनका फिर से निश्चय क्यों करें क्योंकि करना इसलिए है कि भगवती श्रुति हमें कह रही है आत्मा वा अरे द्रष्टभ्य श्रोतव्यो मंत्यो निधिध्यासी वृहदारण्य की श्रुति है श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है अश्रद्धालु को कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती श्रोतभ्यो श्रुति वाक्यभ्यो मंतव्य उपपत्ति मावा चतम धेय हेतव आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार जिसे दुखों के अत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति के लिए यह तीन साधन आवश्यक है श्रोतभ्य श्रुति वाक्यभ्यों श्रुति वाक्य के द्वारा अपने कानों को पवित्र करें वेद वाक्यों के द्वारा वेद श्रवण के द्वारा अपने कानों को पवित्र करें और मंतव्य उपपत्ति भी अर्थात तर्क और प्रमाणों के आधार पर उसका चिंतन करें उसका विचार करें यह भगवती श्रुति हमें आदेश दे रही है वेद का कथन है इसलिए वेद का कथन होने से हम संशय नहीं कर रहे हैं उस वेद का ही पालन कर रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि न्याय शास्त्र वेदानुकूल नहीं है क्योंकि यह संशय की बात करता है अन्यत्र शास्त्रों में संशय को निंदित अर्थ में लिया गया है ऐसा नहीं समझना चाहिए अपितु यह समझना चाहिए कि वेदानुसार ही हम न्याय दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और न्याय के प्रणेता वेदानुकूल ही हैं, शास्त्र अनुकूल ही हैं, इसलिए संशय आवश्यक है क्यों आवश्यक है क्योंकि उस कही हुई बातों पर उस सुनी हुई बातों पर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए अपने तर्क बल पर अपनी शक्ति के आधार पर हम उसको निर्णय कर पाए प्रमाण और तर्क के बल पर हम उस सुनी हुई बातों पर भी दृढ़ विश्वास करें दृढ़ विश्वास हो जाए क्योंकि दूसरों के सुनी हुई बातों पर हमें विश्वास तभी होता है जब हम अपने तर्क से प्रमाण से युक्ति से उस बात को सिद्ध कर देते हैं तब जाकर के पूर्ण विश्वास हो जाता है दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नहीं यह बात बिल्कुल सही है शत प्रतिशत सत्य है इसलिए संशय आवश्यक है और वह संशय वेदानुकूल है परंतु उस संशय की भी मर्यादा है उस तर्क की मर्यादा है जो आगे जब पंचावय हम पढ़ेंगे तब वो सारी मर्यादाएं आएंगी और पूरा शास्त्र ही है मर्यादित है तर्क की भी कैसी मर्यादा होनी चाहिए कैसा तर्क करें कैसा तर्क नहीं करें कैसा तर्क सत्य है कैसा तर्क असत्य है कुतर्क है उस प्रकार के तर्कों को कुतर्क कहते हैं वो सारी चर्चाएं आगे चलेगी इसलिए संशय का तात्पर्य संशय का प्रयोजन वेदानुकूल है इसलिए संशय यहां पर पदार्थ के रूप में महर्षि ने स्वीकार किया है आगे सूत्र का अध्ययन करते हैं संशय का लक्षण किया महर्षि ने समान अनेक धर्म उपपत्ति हैं पहला डाला समान धर्म के ज्ञान से समान धर्म अर्थात दो वस्तुओं में एक दो वस्तुओं में जो समानताएं होती है उन वस्तुओं में जो समानताएं होती है उस समानता को समान धर्म कहा जाता है और उस समानता के आधार पर संशय उत्पन्न हो जाता है जैसे उदाहरण से समझेंगे रस्सी और सांप ये दो वस्तु हैं दो पदार्थ हैं इन दोनों में कुछ समानताएं हैं समानताएं क्या हैं उसकी लंबाई, टेढ़ापन मोटाई इत्यादि दोनों में समान है रस्सी का टुकड़ा जो कभी रास्ते में पड़ जाता है उस रस्सी की बात है यहाँ पर और वह कभी कभी रात के अंधेरे में जहाँ पर छुटपुट अंधेरा रहता है उस छुटपुट अंधेरे में रस्सी को देखकर स्रप का, का भ्रम हो जाता है सांप का भ्रम हो जाता है क्यों भ्रम हो जाता है क्योंकि दोनों पदार्थ के समान धर्म वहाँ पर दिखाई देते हैं सांप के ही समान धर्म है क्या है उसकी लंबाई टेढ़ापन इत्यादि रस्सी के भी समान धर्म क्या है लंबाई टेढ़ापन इत्यादि समान धर्म दिख रहा है विशेष धर्म नहीं दिख रहा है विशेष धर्म क्या होता है विशेष धर्म वह होता है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि यह सांप है यह रस्सी है ये गाय है ये भैंस है इत्यादि जो भी उन समस्त वस्तुओं में जो हम उस वस्तु का निर्णय करते हैं निश्चय करते हैं कि यह वस्तु ऐसी ही है उस धर्म को विशेष धर्म कहते हैं संशय के इस प्रकार में पांच प्रकार हैं इसमें संशय के प्रथम प्रकार है समान धर्मोपपत्ते है समान धर्म की प्राप्ति होने से समान धर्म के ज्ञान होने से रस्सी और सांप में समान धर्म दिख रहा है लंबाई भी उतनी दिख रही है टेढ़ापन इत्यादि भी उतने ही दिख रहा है उसकी मोटाई भी उतनी ही दिख रही है जो दोनों में समान रूप से होती है और विशेष धर्म नहीं दिख रहा है विशेष धर्म इस रूप में नहीं दिख रहा है कि यह सांप है या रस्सी है रस्सी के भी कुछ अपने विशेष धर्म होते हैं सांप के भी कुछ अपने विशेष धर्म होते हैं सब पदार्थों के अपने विशेष धर्म होते हैं और कुछ समान धर्म भी होते हैं जो समस्त पदार्थों में समान रूप से पाए जाते हैं तो यहाँ पर भी दोनों में समान रूप से कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है परंतु विशेष धर्म दिखाई नहीं दे रहा है और विशेष जानने की इच्छा हो रही है कि मैं इसको विशेष जानूँ तत्वतः यह है क्या यह रस्सी है या सांप है जब यह विशेषापेक्ष विमर्श संशय ये जब विशेषापेक्ष विशेष जानने की जो जिज्ञासा होती है ये जिज्ञासा ये द्विकोटिक ज्ञान को संशय कहा गया है वहाँ से संशय उठती है तो यह संशय का प्रथम प्रकार है समान धर्म दिखाई दे रहा है विशेष धर्म नहीं दिखाई दे रहा है विशेष धर्म जानने की इच्छा हो रही है तब वहां से संशय उत्पन्न होता है और संशय उत्पन्न होने के बाद फिर हम तर्क करते हैं प्रमाणों के आधार पर हम वहाँ पर सत्य सत्य का निर्णय करते हैं कि यह है सांप है या रस्सी है दूसरा प्रकार बताया अनेक धर्मोपत्त्य है अनेक धर्म विशेष धर्म को कहते हैं विशेष धर्म अर्थात जिस वस्तु को उस वस्तु के रूप में जानने का जो साधन होता है वह विशेष धर्म होता है जैसे गाय को गाय क्यों कहते हैं वह जो गाय में गोत्व लक्षण है उस गोत्व लक्षण के कारण गाय को गाय कहते हैं वह जो लक्षण है गाय का उसे विशेष धर्म कहते हैं कभी कभी विशेष धर्म भी संशय का कारण बन जाता है जैसे पृथ्वी का गुण गंध होता है गंधवती पृथ्वी गंध नामक गुण बाकी चार भूतों में नहीं रहते जल में तेज में अग्नि में वायु में और आकाश में इन चारों महाभूतों में गंध नामक गुण नहीं पाया जाता है अर्थात गंध नामक गुण पृथ्वी का अपना विशेष गुण है और यह विशेष गुण भी कभी कभी संशय का कारण बन जाता है वैसे विशेष गुण संशय का कारण नहीं बनता विशेष गुण तो संशय की निवृत्ति का कारण बनता है परंतु कभी कभी विशेष गुण भी संशय का कारण बन जाता है जैसे किसी को पता ये न हो कि पृथ्वी के विशेष धर्म क्या होते हैं जल के विशेष धर्म क्या होते हैं अग्नि के विशेष धर्म क्या होते हैं वायु के विशेष धर्म क्या होता है इस प्रकार से यदि किसी को प्रमाणों के माध्यम से ठीक ठीक से पता न हो वह व्यक्ति संशय में पड़ जाता है कहीं जल में भी गंध होता है कहीं वायु में भी गंध दिखाई देता है कहीं अग्नि से भी गंध आ सकता है इस प्रकार से और पृथ्वी में गंध तो है ही इस प्रकार से यह गंध नामक गुण भी संशय का कारण हो सकता है किसी अपरिक्षित व्यक्ति के लिए जिन्होंने परमाणु के द्वारा उसकी परीक्षा नहीं की है उस व्यक्ति के लिए संशय का कारण हो सकता है कि यह गंध गुण पृथ्वी का है कि जल का है कि वायु का है कि तेज का है इस प्रकार से विशेष ज्ञान भी विशेष धर्म भी संशय का कारण बन जाता है लौकिक दृष्टांत द्वारा इसको समझ लेते हैं जैसे फुटबॉल या हॉकी के खिलाड़ी होते हैं दो टीमें होती आपस में खेलती है उस दोनों टीम के अपने अपने जर्सी होते हैं अलग अलग रंगों के उस अलग अलग रंगों से हम पहचान लेते हैं कि ये दूसरी टीम है ये दूसरी टीम है परंतु उस दोनों टीम में जो गोलकीपर होते हैं उनके जर्सी कुछ अलग रंग के होते हैं और वो विशेष होते हैं सामान्यतया जो दस खिलाड़ी होंगे वह तो एक जैसे जर्सी पहनेंगे लेकिन जो गोलकीपर होगा वो ऐसा देखा जाता है कि उसकी जर्सी अलग रंग की होती है तो वो उनसे विशेष हो गया समानता सब में समान धर्म मिल रहा है कि बाकी सब एक जैसे पहने हुए हैं लेकिन यह उससे विशेष है अब विशेष धर्म से भी संशय उत्पन्न हो सकता है कि यह वस्तुतः किस टीम का गोलकीपर है किस टीम का खिलाड़ी है यह संशय हो जाता है विशेष धर्म तो है उसमें लेकिन विशेष धर्म भी कहीं कहीं संशय का कारण बन जाता है इसलिए महर्षि सूत्रकार ने अनेक धर्मोपत्ते है विशेषापेक्षो विमर्श संशय अनेक धर्म की प्राप्ति होने से अनेक धर्म के ज्ञान होने से और विशेष की अपेक्षा होने से विशेष धर्म की अपेक्षा होने से वहाँ पर संशय हो जाता है कि यह किस दल का खिलाड़ी है किस टीम का खिलाड़ी है इस प्रकार से विशेष धर्म भी संशय का जनक हो जाता है तीसरे लक्षण के रूप में महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं विप्रतिपत्ते है विशेषापेक्षो विमर्श संशय अर्थात दो विरुद्ध ज्ञान से भी संशय हो जाता है किसी एक ही विषय में दो विरोध ज्ञान होने लगे क्या होने लगे जैसे एक ही विषय है आत्मा उस एक ही आत्मा विषय में दो प्रकार की बातें होने लगे एक व्यक्ति कहने लगे आत्मा होता है दूसरा व्यक्ति यह कहने लगे आत्मा नहीं होता है तो इस एक आत्मा के ही संदर्भ में दो विरोधी बातें देखी जा रही हैं उन दो विरोधी बातों में से सत्य क्या है विशेषापेक्ष विशेष क्या है और मैं विशेष जानूं इन दोनों में से कौन सा सत्य है इस प्रकार की जब अंदर से जिज्ञासा होती है तब उस द्विकोटिक ज्ञान को संशय कहते हैं और वहाँ से फिर पंचावय न्याय की प्रणाली शुरू होती है फिर अंततः हम अनुमान आदि पंचवाक्यों के द्वारा सत्य पर पहुँचते हैं निर्णय पर पहुँचते हैं कि वास्तविकता क्या है यथार्थता क्या है सत्य क्या है इस प्रकार से महर्षि ने कहा विप्रतिपत्ते है विशेषापेक्षो विमर्श संशय अगला लक्षण कर रहे हैं महर्षि उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था तस् उपलब्धि अव्यवस्था तस्वेषापेक्ष विमर्श संशय अर्थात उपलब्धि की अव्यवस्था होने से भी संशय हो जाता है जैसे हम ग्रीष्म काल में गर्मी के दिनों में मैदानी इलाकों में हम इसका अनुभव कर सकते हैं वह जो सूर्य की किरण और वायु के संपर्क से जल जैसा कुछ प्रतीत होने लगता है हमें दूर से ऐसा दूर से लगता है कि यह जल है या कोई जलाशय है जिसे मरीचिका भी कहते हैं उस मरीचिका में जल का भ्रम हो जाता है क्यों हो जाता है दूर से तो दिखाई दे रहा है कि जल है और वहाँ गए तो जल नहीं है दूसरी बार जब हमने जलाशय को देखा दूर से और उस दूर से देखे हुए जलाशय को फिर नज़दीक से जाकर देखा तो हमें जल की प्राप्ति हो गई एक बार मृग मरीचिका में हमने जल को देखा था वहाँ गए तो जल नहीं मिला दूसरे बार हम जलाशय को दूर से देखा था और पास में गया तो जल मिल गया एक बार उपलब्धि से वहाँ गए तो मिल गया दूसरी बार उपलब्धि से वहाँ गए तो नहीं मिला दोनों में उपलब्धि हो रही थी दूर से दूर से दोनों को हम देख रहे थे तो जल है ऐसा प्रतीत हो रहा था परंतु अव्यवस्था क्या हो गई एक बार मिला दूसरी बार नहीं मिला या पहली बार नहीं मिला दूसरी बार मिल गया यह अव्यवस्था है अब तीसरी बार यदि ऐसे ही हमें दिखा दूर से कि कहीं जल जैसा कुछ दिख रहा है अब संशय यहां पर होगा कि क्या यह मृग मरीचिका वाला जल की भांति तो प्रतीत नहीं हो रहा है क्या सत्य में जलाशय के जल के समान प्रतीत तो नहीं हो रहा है इस प्रकार से वहां पर संशय उत्पन्न हो जाएगा यह उपलब्धि की अव्यवस्था है जो संशय का जनक है और अंतिम लक्षण बताया महर्षि सूत्रकार ने अनुपलब्धि अव्यवस्था तस्य विशेषापेक्षो विमर्श संशय है अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय हो जाता है जैसे कोई वस्तु हमें नहीं मिल रही है न मिलने के कई कारण होते हैं कभी कभी वस्तु वहाँ होती है लेकिन आवृत होती है किसी चीज़ से ढक जाती है या कहीं गड़ी होती है ज़मीन में कभी कभी वो वस्तु पूर्व में थी लेकिन बाद में नष्ट हो गई इसलिए नहीं मिलती है जैसे घर में पहले घट था अब नहीं रहा फूट गया तो फूटा हुआ घट भी नहीं मिलता या वह घट कहीं ढका हुआ है कहीं गड़ा हुआ है ज़मीन में तो भी नहीं मिलता होते हुए नहीं मिलता ना होते हुए भी नहीं मिलता और कभी हुआ ही नहीं था कभी उस घर उस घर में घट था ही नहीं तो इस प्रकार की वस्तु भी नहीं मिलती अब यदि कहीं हमें कोई वस्तु नहीं मिल रही है जब नहीं मिल रही है वस्तु तो वहां संशय हो सकता है कि यह न मिलना जो है किस प्रकार का न मिलना है वस्तु होते हुए नहीं मिल रही है या थी पहले अब नहीं रही इसलिए नहीं मिल रही है या कभी हुई ही नहीं इसलिए नहीं मिल रही है इस प्रकार से संशय उठता है इस प्रकार से इन पांच प्रकार से संशय उत्पन्न होता है और इस संशय उत्पन्न होने में एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य ये है कि विशेषापेक्ष विमर्शा संशय यह शब्द जो है यह बहुत आवश्यक है संशय में बिना विशेषापेक्ष के कभी भी संशय हो नहीं सकता इसलिए विशेषापेक्ष विमर्श संशय यही संशय का लक्षण समझना चाहिए बाकी कितने प्रकार से संशय उत्पन्न होता है यह महर्षि सूत्रकार ने बताया और विशेषापेक्ष विमर्श संशय यही संशय का लक्षण समझना चाहिए इस प्रकार से और ये बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि संशय कभी भी होगा तो विशेषापेक्ष से भी होगा विशेष की अपेक्षा रहती है विशेष ज्ञान की वहाँ पर अपेक्षा रहती है तभी संशय उत्पन्न हो सकता है इसलिए पांच प्रकार से संशय होता है ये मर्शि सूत्रकार ने बताया आगे अगले पदार्थ की चर्चा करेंगे आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छ्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः